नमस्कार मंडली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंडरलैंड जेके। तो आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। ट्रैवल वीडियो जैसा होता है नॉर्मली वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, मैं कुछ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का रीज़न भी है कि मैंने जो मेरा बाइक है, जिनको नहीं पता जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा बाइक है BMW G310 GS। उसके लिए कुछ एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल करवाई है। जो मेन पार्ट है, जो मेन एक्सेसरीज होता है, वो है कैश गार्ड, जो मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। मैंने जो है नेक्सस गियर्स का जो है वो आइटम लगाया है। तो मैं आप सोचूँ कि नेक्सस का ही क्यों, तो नेक्सस का जो है वो पार्ट जो है, जो क्रैश गार्ड जो है, पूरा चेसिस माउंट है। कोई इंजन में कोई फिट नहीं होता, और भी होंगे आइटम जो चेसिस माउंट होंगे। मुझे नेक्सस का अच्छा लगा तो मैंने वो बाय कर लिया। तो मैंने नेक्सस गियर का जो गार्ड है वो परचेज करके खुद से इंस्टॉल करवाया मेरे घर पर आके। अभी आप सोचेंगे इतना तामझाम क्यों कर देने का, यहाँ से लिया वहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कोई भी मैकेनिक के पास भी लेके जाओ, क्योंकि आपको पता होगा तो मैं कोई एक्सपर्ट या मैकेनिक नहीं हूँ। तो मैंने खुद से क्यों किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक खुद से आप दो तीन नट बोल्ट नहीं खोल लेते, तब तक आप बाइक को समझ नहीं पाओगे। तो बस यही मेरा रीज़न है, तो मैंने खुद से लगाया। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कौन सा गार्ड कहाँ से लिया, तो मैंने बस सोचा कि एक बार वीडियो बना देते हैं। ये तो इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। कुछ आपको डाउट या कुछ क्वेश्चन आता है कमेंट जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मिलते हैं बाइक के पास। अभी हाँ, एक टिप है कि ये गार्ड लगाने की हो सकता है आपको और एक हेल्पिंग हैंड और एक जन की ज़रूरत पड़े, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने एक मेरा फ्रेंड है, उसका हेल्प लिया था, उसके साथ में हमने इंस्टॉल किया था। थोड़ा लगा टाइम, 3-4 घंटा लगा, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, जब अभी एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बाइक के पास। तो ये सारी एक्सेसरीज हैं जो ये बॉक्स में आती है। तो ये एक बार फोटो देख लो सर। तो पहले ये देखना है कि कैसे फिट होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये जो आएगा चेसिस में, तो सोचो कि ऊपर कैसे लेके जा सकते हो। नहीं, ये तेरे ये वो लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। नहीं, वो इधर का है, वो उधर का है। रुक रुक, आराम से। हाँ, ये ले। हाँ, यही पार्ट बहुत ट्रिकी है, तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुली लगाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट जो है, ये आएगा केवली केसेस पे। तो ये वाला पार्ट लगाने के बाद आपको टाइट नहीं करना, और ये देखिए ना, आपको ये बोल्ट आपको खोलना है, क्योंकि इसके साथ एक पट्टी आता है ये वाला, ये ऐसे फिट होगा। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ भी जब एक माउंट दिया है, तो ये ऐसे फिट हो जाएगा। तो ये पट्टी आपको लगाना है ऐसे। ये वॉशर के साथ ही आया था, वो भी लगाना है। तो ये भी नट आपको एक बार जस्ट हल्के से लगा के रखना है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट भी बाकी है, ठीक है। हल्के से लगा के रख दो। तो ये वाला है, ये पट्टी दोनों साइड का लगने के बाद आप फिर फिटिंग करना चालू कर सकते हो। तो ये नीचे का बॉडी लगने के बाद आपको ये नीचे जो हॉर्न दिख रहा है, यहाँ फ्रंट फेरिंग के नीचे, तो आपको पहले तो हॉर्न निकालना है, पूरा निकालना है। तो पूरा हॉर्न निकालने के बाद आपको ये दो साइड के नट जो है कॉर्नर में दिख रहा है, ये वाला और यहाँ भी है सेम नट, ये आपको निकालना है पूरा, ठीक है। वो इसको नट को पहले निकालते हैं। तो अभी आपने जो दो नट ओपन किए, उसमें ये पैकेज में आपको और सेम साइज़ के लेकिन बड़े नट मिलेंगे, और बीच में आपको ये वॉशर डालना है इस तरह, और ये सेम होल में आपको फिक्स करना है दोनों जगह, दोनों साइड में। तो अभी आपने जो ये सपोर्टर लगाया है मडगार्ड के नीचे, उसमें ये आपको फेयरिंग गार्ड लगाना है, अपर गार्ड लगाना है। तो अभी आप यहाँ से जो दो नट बॉक्स में मिलेंगे वो अटका के रखो, टाइट मत करना, क्योंकि राइट साइड का भी अलाइनमेंट करना है अभी, ठीक है। अब इसे डाल के वैसे ही रख दो, तो उसको बाद में हम लोग फिट करेंगे। ऊपर थोड़ा लाइट लटकाने के बाद आपको ऐसे क्लिप मिलेंगे, ये स्ट्रेट आएगा और एक ये पीछे से क्रॉस आएगा, तो ये आपको ऐसे फिट करना है अपर गार्ड। तो ये भी अभी जस्ट नट बोल्ट लगा के जस्ट अटका के रख लो, उसको बाद में टाइट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है राइट साइड के लिए। यहाँ ये पहले अटका दो, फिर अलाइनमेंट करके फिर बाद में टाइट करना है। तो अभी हमने पूरा गार्ड जो है ना, वो जस्ट लाइटली लगा के रखा है, कोई भी नट टाइट नहीं किया। अभी हम सारे नट बोल्ट टाइट करना चालू करेंगे।
तो अभी आपको मैं जस्ट एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ कि आपको ये जो एंगल मिलेगा ये आपको ऐसा स्ट्रेट लगाना है दोनों जगह, दोनों साइड में, ठीक है। और नीचे का जो है ये जो आपको ये सपोर्टर मिलेगा ये भी ठीक से लगाना है, दो दो नट मिलेंगे आपको यहाँ। और एक पॉइंट है कि यहाँ जो कंपनी से डिफ़ॉल्ट जो है ना हॉर्न यहाँ फिट होता है यहाँ, लेकिन अगर आप ये गार्ड लगाते हो तो ये गार्ड में आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन दे के रखा है, तो आपको ये हॉर्न यहाँ पे लगाना है।